વિરમબદનું સ્વાગત છે રાજસ્થાનથી સમાચાર. રાજસ્થાનના કોટામાં ફસાયેલા ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓને આખરે પરત લાવવામાં આવશે. અમદાવાદ, મહેસાણા અને સુરત સહિતના શહેરમાંથી આઈઆઈટીના કોચિંગ માટે કોટા ગયેલા વિદ્યાર્થીઓ પરત ફરશે. વિદ્યાર્થીઓ અને તેમના પરિવારોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે. વિદ્યાર્થીઓને પરત લાવવા ગુજરાત અને એમપી સરકારે 1500 કોટા મોકલી હતી. લોકડાઉનમાં આ વિદ્યાર્થીઓને છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ન તો પૂરતું ખાવાનું મળતું હતું કે ન તો અભ્યાસના ઠેકાણા હતા. आई एम फ्रॉम अहमदाबाद और मैं यहाँ कोटा में नीट की तैयारी करने के लिए आई थी. एलन की स्टूडेंट हूँ और हम लोग काफ़ी टाइम से यहाँ पे अटके हुए थे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी. सबसे मेन तो खाने की बहुत दिक्कत हो रही थी, मैसेज बंद हो चुके थे, प्लस पढ़ाई भी नहीं हो रही थी बिकॉज प्रेशर इतना था. कभी खाना नहीं मिल रहा था, मिलता है तो बहुत ख़राब मिल रहा था. और मतलब कितनी बार तो हमें ब्रेकफास्ट तक नहीं मिलता था, डिनर नहीं मिलता था. कोटा में बहुत ज़्यादा परेशानियों के कारण मैं घर जा रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. क्या परेशानी आपको आई थी? हॉस्टल में खाना प्रॉपर नहीं आ रहा था, प्रॉपरली सैनिटाइजिंग वगैरह नहीं हो पा रहा. न्यूज़ 18 संवाददाता अर्जुन अरविंद राजस्थान से हमारे से जुड़े गया है. अर्जुन, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से तैयारी की गई थी बच्चों को वापस भेजने के लिए और कब वो लोग निकले, कब तक गुजरात पहुंचेंगे, क्या माहिती? जी सिद्धार्थ, बता दें कोटा के राजस्थान कोचिंग का हब है और इसे कोटा को कोचिंग जो शिक्षा नगरी है या प्रधानमंत्री भी इसे शिक्षा की काफी बोल चुके हैं. जो बड़ी तादाद में बच्चे यहाँ पर थे लॉकडाउन के बीच में, वो यहाँ अटके हुए थे, अपने घर को जाने चाह रहे थे और गुजरात सरकार की तरफ से कल शाम को यहाँ 15 बसें भेजी गई और पूरी तैयारी के साथ बसों को सैनिटाइज किया गया. एक एक बच्चे को सैनिटाइजर दिया गया, मास्क दिए गए, खाने का इंतजाम उनका किया गया. जब रवानगी कल शाम को ये बसें पहुंची कोटा, तो उसके बाद तमाम जिला प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने, चिकित्सा विभाग ने तमाम तैयारियों के साथ स्टूडेंट को पूरी सुरक्षा के रूप के तहत यहाँ से रवाना किया गया है. बीती रात को 9 बजे यहाँ से बसों का जाना शुरू हुआ था. 400 स्टूडेंट गुजरात के थे और रात को 12 बजे तक यहाँ से सभी बसें, जो 15 बसें थी, उनमें बच्चों को बैठा कर और सुरक्षित स्वास्थ्य सुरक्षा की जांच की गई. एक एक बच्चे का थर्मल स्क्रीनिंग किया गया ताकि किसी बच्चे को कोई संक्रमण या किसी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं है. और तमाम जो बच्चे थे गुजरात के, उन्हें कोटा से रवाना किया गया था. और सरकार जो है, गुजरात सरकार की तरफ से बसें भेजी गई थी. जब बच्चों से बातचीत की गई तो बच्चों ने गुजरात सरकार का भी थैंक्स किया है और राजस्थान सरकार का भी थैंक्स किया है. जो तमाम यहाँ के कोचिंग संस्थान हैं जिनमें बच्चे यहाँ पर आईआईटी और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए कोटा आए हुए थे, जो अपने घर के लिए यहाँ से हुए, अब वो बच्चे पहुंच भी चुके होंगे गुजरात में और अपने घरों पर. जब वो बच्चे घर पे जाएंगे तो वहां पर जो गुजरात सरकार है, तो गुजरात सरकार भी मेडिकल जो टीमें हैं उनके द्वारा उनकी थर्मल स्क्रीनिंग करवाई जाएगी. और बच्चों को अगर किसी तरह का संक्रमण, कोटा से तो बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित गए हैं, लेकिन पूरी सुरक्षा के इंतजाम के तहत ही उन्हें घरों पर प्रवेश दिया जाएगा. जी अर्जुन, कितने बच्चे गुजरात से थे, कितनी बसेस भेजी गई है अब गुजरात? जी सिद्धार्थ, मैं बता चुका हूँ कि 15 बसे कोटा आए थी, कोटा गुजरात से कल शाम को, और यहाँ से कोटा से 400 गुजरात के जो बच्चे थे स्टूडेंट, जो विभिन्न कोचिंग संस्थान में यहाँ पर मेडिकल और आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उन्हें यहाँ से कोटा से रवाना किया गया है. पूरी सुरक्षा के तहत यहाँ से भेजा गया है क्योंकि लगातार लॉकडाउन बढ़ता जा रहा था और अब 3 मई तक लॉकडाउन है. पहले लगातार जो लॉकडाउन रहा उस बीच ये कोटा के विभिन्न पीजीआई हॉस्टल में यहाँ पर थे, कोचिंग संस्थान तमाम बंद कर दिए गए थे क्योंकि वैश्विक महामारी जो कोरोना संकट काल है वो पूरे देश में आया हुआ है. कोटा से भी इससे अछूता नहीं रहा. कोटा में आज की तारीख में 116 कोरोना पॉजिटिव है और विभिन्न इलाकों में यहाँ पर जो 6 थाना क्षेत्र है वहाँ पर कर्फ्यू लगाया हुआ है. हालांकि जो कोचिंग हब जो है वो पूरी तरह सुरक्षित है, कोरोना पॉजिटिव है, किसी संक्रमण वहां पर नहीं है, लेकिन एहतियात के रूप में राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार से बातचीत की
जो तमाम जो अन्य राज्य हैं, गुजरात के पहले भी यूपी उत्तराखंड के बच्चे यहाँ से भेजे गए हैं, जो गुजरात के बच्चे कल रात को रवाना हुए तो उनके पहले मध्य प्रदेश के बच्चे जो 2800 बच्चे थे मध्य प्रदेश के, तो उनको यहाँ से भेजा गया है। और दूसरे जो प्रदेश की सरकारें हैं उनसे भी राजस्थान सरकार लगातार संपर्क बनाए हुए हैं ताकि वो बच्चे भी यहाँ से जा सके, क्योंकि अभी भी कोटा में 22 से 25 हजार के तादाद में स्टूडेंट यहाँ पर हैं जो लॉकडाउन में अटके हुए थे। और गुजरात के अब सकुशल जो 400 बच्चे थे उन्हें 15 बसों के जरिए। जी शुक्रिया अर्जुन सारी जानकारी के लिए। तो जे रीते न्यूज 18 संवाददाता अर्जुन राजस्थान थी जणावी रह्या हता के हाल में 400 जेटला विद्यार्थीओ ने रवाना करवामां आव्या गई काल रात्रे। आजना अत्यार सुधीना समय में अनेक बाळको पोताना घरे परत पण फरी चुक्या हशे। गुजरात थी न्यूज 18 संवाददाता मयूर माखड़िया अमारी साथे जोड़ाई गया छे। मयूर, जे विद्यार्थीओ लेने लेवा माटे सरकारे बस मोकली हती ते विद्यार्थीओ शू पोताना मुकामे पहोंची चुक्या छे, पोताना निवासस्थाने पहोंची चुक्या छे, अने तेओने शू हवे क्वारंटाइन करवामां आवशे, तेओ साथे केवी रीते प्रोसेस आगळ वधारवामां आवशे? जी बिल्कुल सिद्धार्थ, तमने जणाई दऊं के जे रीते कोटानी अंदर गुजरातना विद्यार्थीओ फसायेला हता आ मामले आणंदना जे सांसद छे मितेश पटेल तेमना द्वारा केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहने पण रजूआत करवामां आवेली हती, साथे गुजरातना मुख्यमंत्री विजय रूपाणीने पण रजूआत करवामां आवेली हती। राज्यना वहीवटीतंत्रए केन्द्र सरकार साथे बस संपर्क करी अने राजस्थाननी अंदर पोताना जे विद्यार्थीओ छे जे फसायेला विद्यार्थीओ छे तेमने निकाळवा माटेनी जे प्रोसेस छे ते चालू करेली हती। बकायदा गुजरात सरकारना एक अधिकारीने पण मोकलवामां आवेला हता ने हवे आ जे तमाम विद्यार्थीओ छे तेमने गुजरात परत लावामां आवी रहेला छे। गुजरात परत लावशे ए भेगू ज गुजरातनी जे आरोग्य विभागनी जे टीम छे તે પ્રોટોકોલ પ્રમાણે આ તમામ જે વિદ્યાર્થીઓ છે તેમનું મેડિકલ ચેકઅપ કરશે અને ત્યારબાદ જો તેની અંદર કોઈ પણ લક્ષણ જણાશે અથવા તો કોઈ શંકાશીલ કેસ એવો હશે તો તેમને ક્વોરન્ટાઇન કરવાની પણ સલાહ આપવામાં આવશે। અને હાલ જે આ વિદ્યાર્થીઓ છે તે ધીમે ધીમે ગુજરાત આવી રહેલા છે। અંદાજે 400 જેટલા જે વિદ્યાર્થીઓ છે તે ગુજરાતના કોટા ખાતે જુદી જુદી જે કોચિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ હતી તેની અંદર અભ્યાસ કરી રહેલા હતા અને હવે આ તમામ જે વિદ્યાર્થીઓ છે તેમને ગુજરાત લાવી રહેલા છે। જી આભાર મયુર સમગ્ર માહિતી બદલ। તો આ તરફ અન્ય એક મહત્વના સમાચાર આવી રહ્યા છે, જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ પરત આવી ચૂક્યા છે ત્યારે અન્ય સમાચાર વડોદરાથી મળી રહ્યા છે। કોરોનાના વધતા કેસ વચ્ચે વડોદરાવાસીઓ માટે મોટી રાહતના સમાચાર, દર્દીઓને સારું થતું હોય તો અમારા માટે સદભાગ્ય છે। ચોક્કસ આ તમામ દર્દીઓ માટે પણ એક ખુશી છે અને આજે તેઓ જે એક સમય સુધી અહીંયા આગળ જે ઇબ્રાહીમ બાવાણી જે કોવિડ કેર સેન્ટરમાં તેમને ટ્રીટમેન્ટ લીધી, આપ જોઈ રહ્યા છો કે અહીંયા બસોમાં આ તમામ દર્દીઓ જે છે એ તેમને પોતાના ઘરે લઈ જવામાં આવી રહ્યા છે અને વડોદરા માટે જે કહેવાય કે આ બહુ જ રાહતના સમાચાર કહી શકાય। કેમેરામેન અંકિત ગોનસીકર સાથે ફરીદ ખાન, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, વડોદરા। તો ઇબ્રાહીમ બાવાણી આઈઆઈટીઆઈ કેર સેન્ટરમાં સારવાર લઈ રહેલા કોરોના પોઝિટિવ 45 દર્દીઓ એક સાથે સાજા થયા છે। મહત્વની વાત એ છે કે સાજા થયેલા તમામ દર્દીઓ નાગરવાડા વિસ્તારના છે, જેને પોઝિટિવ કેસ વધતા રેડ ઝોન જાહેર કરવો પડ્યો હતો। સાજા થયેલા તમામ 45 દર્દીઓને આજે રજા આપવામાં આવશે। સાજા થયેલા આ દર્દીઓને અન્ય દર્દીઓની પ્લાઝમા ટ્રીટમેન્ટ માટે બ્લડ ડોનેશનની તૈયારી પણ દેખાડી છે। પ્લાઝમા ટ્રીટમેન્ટ ખૂબ જ મહત્વની છે, જે સાજા થયેલા દર્દીઓ છે તેઓ બ્લડ ડોનેટ કરી અને જે હાલમાં બીમાર છે તે દર્દીઓને મદદ કરી શકે છે। ત્યારે આ 45 દર્દીઓ જે સાજા થઈ ચૂક્યા છે તેઓએ પણ બ્લડ ડોનેશનની તૈયારી બતાવી છે અને તે તમામ લોકોના બ્લડ ડોનેશનની મદદથી જ પ્લાઝમા ટ્રીટમેન્ટ પણ કરવામાં આવશે। તો આ દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો, ખૂબ જ ખુશી સાથે આ 45 લોકો હવે પોતાના ઘરે જશે। તેઓને સ્પષ્ટ કહેવામાં આવ્યું છે કે હાલમાં પણ તેઓની રોગપ્રતિકારક શક્તિ જે વધી ચૂકી છે, પરંતુ તેઓએ ઘરમાં રહેવાનું છે, આસપાસથી પણ કોઈ લોકોના સંપર્કમાં તેઓએ આવવાનું નથી, કારણ કે નાગરવાડા એ વિસ્તાર છે કે જ્યાં આગળ પરિસ્થિતિ ખરાબ છે। ફરીદ, ન્યૂઝ 18 સમાચારમાં સાથે જોડાયેલા છે, ફરીદ શું અપડેટ મળી રહી છે, કઈ રીતે મદદ કરાશે હવે આ 45 દર્દીઓ સાજા થઈ ચૂક્યા છે તે? હું સીધા દ્રશ્યો આપને અહીંયાથી ઇબ્રાહીમ બાવાણી ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાંથી બતાવી રહ્યા છે। આપ જોઈ રહ્યા છો કે બસ દ્વારા જે 45 દર્દીઓ જે સાચા થયા છે તેમને પોતાના ઘરે અહીંયા લઈ જવામાં આવી રહ્યા છે। આ બીજી
लागी रह्यो छे संपर्क तूटी गयो छे तेमनी साथे, परंतु हालमां जे अपडेट छे ते प्रमाणे साझा थयेला ब्लड डोनेशन की तैयारी दर्शाववामां आवी छे। समाचारों में अत्यारे बस आटलू ज, आप आपना घरे रहो, सुरक्षित रहो, जोता रहो न्यूज 18 गुजराती।